अस्सलाम वालेकुम फूडीज, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? मेरी होममेड दही, मेरे पास ऑलमोस्ट हाफ केजी है ये जी। एक कप बेसन है, ये है जी एक टेबल स्पून ज़ीरा, एक टेबल स्पून गरम मसाला, एक टेबल स्पून हल्दी, एक टेबल स्पून नमक, एक टेबल स्पून पेपरिका मिर्च, ये मैं इसमें दही में ऐड कर दूंगी और कढ़ी बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। अब ये इसमें ऐड करूंगी। अभी ये मैं बेसन भी डाल दूंगी। और इसको मिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ मैंने एक 1.5 कप ऑयल लिया, उसमें मैंने 1 चम्मच ज़ीरा, 2 कड़ी पत्ता डाल के उसको मैं अब अच्छी तरह भूनूंगी। मैंने ये घर में दही जमाई थी, इसका मेथड मैंने आपको पहले बता दिया था। यहाँ पे दही इतनी ज़्यादा खट्टी नहीं बनती, तो इसमें इसलिए इसमें आप 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। ज़ीरा भुना जा चुका है, अब उसमें मैंने जो ये चीज़ थी सारी, बेसन और दही ये सारी ऐड कर दी और इसको भूनेंगे अच्छी तरह। 5 मिनट्स के बाद भुना जा चुका है और बेसन देखें बिल्कुल ऐसे प्लेन हो जाता है जब भुना जाता है तो, और ऑयल बिल्कुल साइड पे हो गया। और अब इसमें पानी डाल देंगे ज़्यादा सारा और ऐड कर देंगे, और जब तक एक बॉयल नहीं आएगा उस वक्त तक खिलाते जाएंगे और फिर इसको तकरीबन 1 घंटा पकने देंगे। और दूसरी तरफ मैंने पकौड़ों के बेसन के लिए चीज़ें रेडी कर ली हैं। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला, पालक मेरे पास थी आसानी के लिए मैंने काट के फ्रीज़र में रखी होती है, 1 छोटा प्याज लंबा सा काट लिया, 1 आलू काट लिया, और ये मेरे पास तकरीबन 1/2 कप बेसन है जी। और मैं इसमें बेकिंग सोडा ऐड नहीं करती, जिस कर दही में मैंने बेसन तैयार करके उसमें डाला है पानी, और उसमें से 1 चम्मच मैंने बचा लिया था वो इसमें डालूंगी। अब ये इसमें डालूंगी और मिक्स कर लूंगी। इसमें भी मैंने पानी डाला है जी और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स होने के बाद कुछ ये शक्ल हो जाएगी इसकी। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये लें जी, पकोड़े बनाने का टाइम आ गया। मैं छोटे छोटे पकोड़े बनाती हूँ, ये 1 टेबलस्पून के लिए, और इसमें डाले फिर लिया। आई एम सॉरी, ये ले जी पकौड़े डाले हैं, फ्लेम मीडियम कर दिया है, थोड़ी देर में अंदर तक हो जाएंगे। इस टाइम पे आप अपना नमक और मिर्च कड़ी में चेक कर लीजिएगा और पकोड़ा ज़रा आस्था चूल्हे पे बनाइएगा ताकि अंदर तक पक जाए। ये नहीं कि डाल के आप टीवी के सामने जाके बैठ जाएं, ठीक है ना, ऐसे नहीं कीजिएगा। जी जी है जी फाइनल लुक, माशाल्लाह से पका पका के तो ऑयल भी खुद ब खुद ऊपर आ गया है। ऊपर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है और ये देखिए वाइट चावलों के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए या फिर स्पून के साथ ले लें और टेस्ट कर लें। परफेक्ट माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी है। मेरे पास तो टेस्ट वाले अभी कोई भी नहीं है कि जो टेस्ट चेक कर सके, मैं खुद ही टेस्ट कर ले रही हूँ। ओके जी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।